वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी आपको पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, और मेरी लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि ये लोग कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्या इनके हनी ट्रैप्स होते हैं, और कैसे कैसे ये लोगों को अपने झांसे में लेके उनको गरीबों को रोटी दे के फिर उन पर दबाव बना के उनकी बेसिक नीड पूरी करके ये क्रिश्चियंस मिशनरी वाले कैसे उन लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। वीडियो डालने के बाद एक सरप्राइजिंग बात सामने निकल के आई कि जो बाई बॉर्न क्रिश्चियंस हैं ना, जो असली क्रिश्चियंस हैं, जिनको समझ है, उन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। आप मेरा कमेंट बॉक्स देख सकते हैं पिछली वीडियो का। और जो कन्वर्टेड टट्टू थे ना, वो थोड़े से उनको मिर्ची लगी, अब पता नहीं उनको कश्मीरी लगी या देगी मिर्च लगी, ये मुझे नहीं पता। तो वो लोग हैं ना, अलग अलग तरीके से तुम ये हो, तुम फलान हो। तो एक एक ने मुझे बोला कि आप लूसीफर हो। अब यार सच्ची बताऊँ आपको, मैं तो जानता भी नहीं था कि ये लूसीफर कौन है। फिर मैंने बाद में कमेंट करने के बाद, मैं पढ़ने के बाद, जब मैं शाम को घर गया तब मैंने चेक किया कि लूसीफर क्या होता है, मतलब जो इनका शैतान है सबसे बड़ा। तो उसने मुझे बताया कि मेरे अंदर ईवल स्प्रिट है और मैं लूसीफर हूँ। तो हाँ भाई, तुम्हारे लिए तो मैं लूसीफर हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने बड़ा आतंक मचाया हुआ है, तो तुम मुझे अपना लूसीफर ही समझ सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अग्री करता हूँ कि मैं क्रिश्चियन मिशनरीज वाले जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो लोगों को ठग रहे हैं, जो लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके, जो उनकी बेसिक नीड पूरी करके और जो उनकी सहायता करके, हेल्प करके उन पर दबाव बनाते हैं कन्वर्ट करने का, उनके लिए तो मैं लूसीफर हूँ। मैं मानता हूँ इस बात को। फिर क्या हुआ दोस्तों, जैसे जैसे लोगों ने वीडियो देखते गए, वैसे वैसे कोई एक मेरा भाई है, सब्सक्राइबर कह लो, भाई कह लो, उसने मुझे एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाली वीडियो भेजी। उसके अंदर, वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लोग कैसे, जो ये जो बंदर की तरह गुलाटी मारना, गधे के जैसे लात मारना, शुतुरमुर्ग के जैसे छलांगे मारना, गिरगिट के जैसे रंग बदलना, और जैसे भी ये जानवरों के जैसे, गिलहरी के जैसे पेड़ पे चढ़ना, नीचे आ जाना, और बंदरों के जैसे एक डाल से दूसरे डाल पे करना, ये इनको बाकायदा सिखाया जाता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये सब पेड लोग हैं, ये जो बंदरों के जैसे उछल कूद करते हैं ना, ये सब पेड हैं। तो किसी मेरे भाई ने, समझदार भाई था मेरा कोई, उसने मुझे वीडियो भेजा और मैं खुद देख के हैरान हो गया। खैर मैं श्योर तो था, मतलब मैं, मुझे पता था कि ये लोग पेड हैं, लेकिन उनको कैसे बंदर के जैसे गुलाटी मारना सिखाया जाता है, गधे के जैसे कैसे दुलत्ती मारना सिखाया जाता है, और शुतुरमुर्ग के जैसे कैसे उछलना सिखाया जाता है, वो उस वीडियो के अंदर प्रॉपर दिखाया गया था। तो आप ये वीडियो देखें एक बार, फिर मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में। Hallelujah!
भाइयों, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि ये सब पेड़ होते हैं। अब आपने वीडियो में देखा कि कैसे इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ये कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये लोग कैसे होश हरा रा 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 और जो भी और आरा रा रा करते हैं ये, वो उनको कैसे बकायदा इनको टाइमिंग दी जाती है कि इस टाइम पे तूने बंदर के जैसे गुलाटी मारनी है, इस टाइम पे तुम दोनों ने गधे के जैसे पसलेटे मारनी है, इस टाइम पे तुमने चूहे के जैसे भाग जाना है, इस टाइम पे तुमने शत्रुमुर्ग के जैसे छलांगे मारनी है। आपने इस वीडियो में देखा, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर देखें। और आप क्या यार, ये तो कोई भी, मैं कहता हूँ कोई सामान्य बुद्धि से भी नीचे बंदा होगा जिसका सबसे लो IQ है, वो भी देख के समझ जाएगा कि कैसे इनको बकायदा पैसे दिए जा रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है कि इनकी कोई ज़रूरत पूरी करके इन पर दबाव बनाया जा रहा हो। तो इनको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है होश हुर आला लाला पे कैसे छलांगे मारनी है, वो आपने वीडियो में देख लिया है। और जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो असली क्रिश्चियंस हैं, मेरे पास एक मेरे किसी भाई का फ़ोन भी आया था, वो क्रिश्चियन है, उसने भी इनकी पोल खोली, वो खुद ये सब देख के काफ़ी दुखी था। और मैं खैर उसकी जो रिकॉर्डिंग मतलब जो उसकी मेरी बातचीत हुई है वो मैं आपको नहीं सुना सकता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी इन लोगों ने उछल कूद बंद नहीं करी तो मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ किए बिना उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा आपको कि वो एक बंदा एक्चुअल में बाई बॉर्न क्रिश्चियन है, उसको समझ है, उसने मुझे जो बताया, लेकिन और जो मुझे उसने बताया और वो मुझे बात अच्छी अच्छी भी लगी उसकी, क्योंकि उसने सारी कायदे की और ढंग की बातें करी, उसने प्रॉपर बातें करी, उसने धर्म की बात करी जो एक्चुअल में होनी चाहिए। और उसने ये भी बताया कि इन लोगों को कैसे कैसे ये तनख्वाह पे हैं सारे, जो ये हुश आ रहा हल्ला हुल्ला कर रहे हैं ना, ये सब तनख्वाह पे हैं, इन सब सैलरीज पे हैं, इनको बकायदा पैसा मिलता है ये सब करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो भाइयों, आप लोग देखना वीडियो को अच्छे से, और आपने जो भी ऑब्ज़र्व किया वीडियो देख के, क्योंकि मेरे हिसाब से समझ तो आप लोग गए होंगे, और जो मुझे लूसीफर कह रहे हैं कि मैं लूसीफर हूँ इनके लिए, तो मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि हाँ मैं तुम लोगों के लिए लूसीफर हूँ, और जब तक तुम लोगों का पूरा भांडा नहीं फोड़ दूंगा तब तक अब मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो भाइयों, आप बताना मुझे आपके क्या ओपिनियंस हैं, क्या सजेशंस हैं, और वापस से कन्वर्टेड टटुओं को बड़ी मिर्ची लगने वाली है, तो आप अपने कमेंट देना कमेंट बॉक्स में। सत श्री अकाल, नमस्कार।